ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन बाय डबल स्लिट को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिंगल स्लिट को अंडरस्टैंड किया था और सिंगल स्लिट के कंसेप्ट जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक डबल स्लिट हमें समझ में नहीं आ सकता। तो सिंगल स्लिट का लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले सिंगल स्लिट के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अगर इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग वे में हमें समझना है तो। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन और फ्रेजनल डिफ्रेक्शन के बीच के अंदर डिफरेंस जो है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के अंदर फ्राउनहोफर ने सोर्स एंड स्क्रीन को ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया, मींस सोर्स इस ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, स्क्रीन इस ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस के अंदर है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के अंदर। लेकिन फ्रेजनल डिफ्रेक्शन के अंदर सोर्स इस ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे था, स्क्रीन इस ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थी। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फ्राउनहोफर ने डिफ्रेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए दो कन्वेक्स लेंस को यूटिलाइज किया था। जो पहला कन्वेक्स लेंस था उसके हेल्प से रेज को क्या बनाया था, पैरेलल बनाया था, और जो सेकंड कन्वेक्स लेंस था उसकी हेल्प से रेज को क्या किया था, कन्वर्ज किया था स्क्रीन पर। लेकिन फ्रेजनल ने कोई भी कन्वेक्स लेंस को यूज नहीं किया था। तो डबल स्लिट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम डबल स्लिट को बनाएंगे कैसे, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमें एक प्लेन ग्लास प्लेट लेनी पड़ेगी। मैं ये प्लेन ग्लास प्लेट ले रहा हूं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके बाद हमें डायमंड की हेल्प से इस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर तीन लाइनों को रूल्ड करना है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, मीन्स इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस और इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कट कर दूंगा, यहां से ये वाला पोर्शन कट कर दूंगा और यहां से ये वाला पोर्शन को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। अब ये जो तीन लाइनें हमने रूल्ड की हैं ग्लास प्लेट पर डायमंड की हेल्प से, इन तीनों लाइनों को हमें क्या बनाना है, ओपेक बनाना है। किसके लिए, लाइट के लिए। किससे बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की हेल्प से बनाएंगे। हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, बेंजीन का बना लेंगे और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहां पर पेस्ट कर देंगे, इन रूल्ड लाइनों के ऊपर लगा देंगे। ये रूल्ड लाइनें कैसा एक्ट करेंगी, अब लाइट के लिए ओ बेंजीन का पेस्ट लगाने के बाद, कोलाइडल सॉल्यूशन लगाने के बाद ओपेक बन जाएंगी और ये इनके बीच के अंदर ये जो स्पेस है ये कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसका मतलब ये दो रूल लाइनें अब क्या काम करेंगी, एक स्लिट का काम करेंगी। ये दो रूल लाइनें किसका काम करेंगी, एक स्लिट का काम करेंगी। ये हमने अब इसको लेना है और इसको ये हमने ऐसे बना रखी हैं, एक ये लाइन रूल्ड की है, एक ये लाइन रूल्ड की है और एक ये लाइन, और इसको हमने ग्लास प्लेट को बिल्कुल प्रिज्म टेबल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर ऐसे लगा देना है। मींस कैसे लगा देना है, ये जैसे मेरे पास इस यहां से बीच में ऐसे स्लिट होगी, एक लाइन ये होगी, एक ये है और एक ये है, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे लगाना है, परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म टेबल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, या मैं कैसे लगा दूं इसको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ऐसे लगा देना है। इसके अंदर ये जैसे मैंने लगा रखा है, ये एक स्लिट मेरे पास ये है, ये ओपेक पार्ट है, ये मेरे पास फिर ट्रांसपेरेंट पार्ट है। जो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट पार्ट है दोनों स्लिट का, किस किस का, ए बी और सी डी का,
ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसकी विड्थ में मान के चल रहा हूं कितनी है, ए है, और जो ये ओपेक पार्ट है बी सी, जो ओपेक पार्ट है इसकी मैं विड्थ मान के चल रहा हूं कितनी, बी मान के चल रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास ये विड्थ जो है ये बी है, ये मेरे पास ए है, फिर ये बी है, फिर ये ए है, ऐसे है। और हमने ये जो ग्लास प्लेट जिसके अंदर स्लिट्स को बनाया है इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे प्लेस कर देना, इसका मतलब ये मैंने ऐसे प्लेस कर रखी है तो ये दोनों स्लिट आपस में क्या बन गई है, पैरेलल बन गई, ऐसे पैरेलल बन गई, मीन स्लिट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, टू पैरेलल स्लिट्स हमारे पास हैं। अब हमने इन दो स्लिट की हेल्प से डिफ्रेक्शन को अंडरस्टैंड करना था, लेकिन सबसे पहले हम जब डिफ्रेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे तो एक कंडीशन को सेट करना पड़ेगा, और वो क्या कंडीशन सेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ टू स्लिट हमें ऐसे एडजस्ट करना है, वो मैं यहां पे समझा रहा हूं। जैसे मैंने स्लिट ए बी को, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये मेरे पास सी डी है, इन दोनों स्लिट्स को मैंने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां से लेकर ये विड्थ इसकी कितनी है, ए है, यहां से ये लेकर विड्थ कितनी है, ए है। अगर इस विड्थ को मैं एक्सट्रीम पॉइंट से स्टडी करूंगा तो एक्सट्रीम पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बी, इस एक्सट्रीम पॉइंट तक स्टडी करूंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉरस्पोंडिंग टू स्लिट कितना बन गया हमारे पास, यहां से इस एक्सट्रीम पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना बना, ए, ये बी, फिर आगे तो डिस्टेंस नहीं है तो कितना बन गया मेरे पास, ए प्लस बी। अगर मैं इस पॉइंट से स्टडी करूं तो मैंने ऊपर कितना छोड़ दिया है, a बाई टू छोड़ दिया है, इसका मतलब नीचे कितना बच गया मेरे पास, मैं कितना, ये मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है तो a बाई टू नहीं रहेगा, a बाई टू तो बिल्कुल मिडल पार्ट रहेगा, तो ऊपर वाला पार्ट कितना छोड़ दिया मैंने, 1/4 छोड़ दिया, तो ये वाला कितना हो गया, a बाई फोर। अब नीचे कितना डिस्टेंस रहेगा, 3/4, 3/4 यहां से अब इस पॉइंट से चलूंगा और मेरे को नीचे वाला कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, a बाई फोर वाला लेना पड़ेगा, इसका मतलब 3/4 विड्थ ये, 3/4, इसके बाद फिर कितना आएगा, b, प्लस फिर कितना आएगा, a बाई फोर। इसका मतलब मैंने क्या किया, डिस्टेंस ऐसे सेट करना है कि हर एक कंडीशन में कितना आए, a प्लस बी आए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लिट कितना आए, हमेशा a प्लस बी, a प्लस बी इतना आए। अगर मैं यहां से स्टडी करूंगा a बाई टू से, तो a बाई टू नीचे ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैंने b को ट्रेवल किया, फिर कहां तक, मीन यहां से इस पॉइंट से सेंटर का ये पॉइंट है तो इसका ये सेंटर का पॉइंट होना चाहिए, इन पॉइंटों से अगर मैं स्टडी करूं तो ये कंडीशन सेट होगी। अगर मैं a पॉइंट फोर से, यहां से a बाई फोर से स्टडी करूं तो ये कहां तक स्टडी होगा, a बाई फोर से, मेरा a बाई फोर ही ये कंडीशन स्टडी होगी। अगर 3/4 ये लू मैं तो नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, a बाई फोर, और यहां से फिर नीचे कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, 3/4, यहां से फिर 3/4 के ऊपर हम, तो मेरे को क्या कंडीशन, अगर मैं इसके ये b पॉइंट के ऊपर ये एक्सट्रीम विड्थ कितनी हो चुकी है a, यहां से स्टडी करूं तो ये विड्थ, अब यहां से इस स्लिट की विड्थ कितनी हो गई, अब मैं इस स्लिट की विड्थ कितना ट्रेवल करूंगा, अब तो यहां से तो मैं जीरो ट्रेवल करूंगा ना, यहां से कितनी ट्रेवल कर रहा हूं, a बाई फोर, यहां से कितनी ट्रेवल कर रहा हूं, a बाई टू, यहां से कितनी ट्रेवल कर रहा हूं, 3/4, यहां से कितनी ट्रेवल कर रहा हूं, a ट्रेवल कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैं चलूंगा तो ये तो जीरो, इस विड्थ की स्लिट को बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करूंगा, बी ट्रेवल करूंगा, और कहां तक जाना पड़ेगा, नीचे वाला ये, अगर मैं यहां से स्टडी करूंगा तो ये वाला पॉइंट, यहां से इन दो पॉइंटों को स्टडी करूंगा। इसका मतलब मेरे को, मैंने कंडीशन सेट कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लिट इन सच ए वे दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने
अब जहां से स्टडी करेंगे वहां से स्टडी कर लेंगे। इसके बाद मेरे को इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से रेज को कन्वर्ज करना है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से मेरे को रेज को क्या बनाना है, पैरेलल बनाना है, और क्या बनाना है, फाइन बनाना है, कोलिमेटेड बनाना है, किस सोर्स की लाइट को, एस सोर्स की लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को। इससे आगे अब हम चलते हैं। एक कंडीशन और मैं बता दूं, जब मैंने सिंगल स्लिट को स्टडी किया था तो सिंगल स्लिट के अंदर हमने ये स्टडी किया था, सिंगल स्लिट, ये मेरे पास एक सिंगल स्लिट ली थी हमने, और ये कन्वेक्स लेंस को मैंने लगाने के बाद और इस स्क्रीन के ऊपर हमने जो डिफ्रेक्शन हुआ था, डिफ्रेक्शन इस एज से थीटा एंगल के ऊपर हुआ था, ये लाइट पैरेलल ऐसे, अगर कोई भी डिफ्रेक्शन नहीं हुआ था लाइट ऐसे पैरेलल आ रही थी, और इस स्लिट की विड्थ मैंने कितनी ली थी, ए ली थी। अगर ये पैरेलल जा रही थी, कोई भी डिफ्रेक्शन नहीं हुआ तो कन्वर्ज हुई थी एक पॉइंट के ऊपर, पी नोट के ऊपर, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी नोट के ऊपर क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी, और इस पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम आई थी उसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी, आई इज इक्वल टू, वो हमारे पास आई थी, दैट इज इक्वल टू आई नोट आई थी। इसके बाद मैंने ये कहा था दो सेकेंडरी वेव्स, दे आर टू बी गेट डिफ्रेक्टेड एट एंगल थीटा और कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट पी नोट, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी वन, जिसको मैंने बोला था यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू डिफ्रेक्टेड रे, और हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया था ए बी से, और इसको मैंने नाम दिया था सपोज करो के, और ये बी के की जो वैल्यू आई थी, मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, बी के की वैल्यू जो आई थी ए साइन थीटा आई थी, और हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था पूरी स्लिट का, वो हमारे पास क्या आया था, That is equal to 2 pi by lambda into a sin theta आया था, और इसको मैंने पुट किया था किसके बराबर, 2 अल्फा के बराबर पुट किया था, अगर याद हो तो हमने वो कैसे पुट किया था, अल्फा क्या था हमारे पास इस केस में, हमने इस स्लिट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और वेक्टर पॉलीगन की हेल्प से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकाला था, इसका मतलब वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था और वो जो एंगल अल्फा जो था 2 अल्फा, उसकी वैल्यू हमने, ये अल्फा एंगल किसके साथ बनाया था, ऐसे कोई एक आर्क बनी थी हमारे पास, और ये हमारी जो रिजल्टेंट, ये जो एंगल अल्फा था ये किसके साथ बना था, ये इनिशियल जो स्टार्टिंग वेव थी उसके साथ एंगल था अल्फा, और ये एंगल फाइनल वेव के साथ भी एंगल कितना बना था, अल्फा बना था, तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट आया था, और ये जो एंगल बना था 2 अल्फा बना था, और ये 2 अल्फा किसका था, पूरी स्लिट का फेस डिफरेंस था, तो ये आया था हमारे पास। और इसके बाद हमने वेक्टर पॉलीगन मेथड की हेल्प से यहां पर इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था, वो एम्पलीट्यूड तो हमारे पास क्या आया था, ए नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये आया था, और इंटेंसिटी हमारे पास जो निकल के आई थी इसका स्क्वायर बन गई थी ए नोट स्क्वायर अप साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास आ गई थी। इसके बाद यहां से इसका मतलब मैं ये क्या कहना चाह रही थी, सिंगल स्लिट, ये सिंगल स्लिट यहां पर इसकी पूरी की पूरी लाइट एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर गई थी, और यहां पर एक रिजल्टेंट वेव बनी थी, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये था, इसकी इंटेंसिटी ये थी। तो डबल स्लिट के अंदर मैं एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना चाह रहा हूं, वो क्या अप्रोक्सीमेशन लेके चलना चाह रहा हूं, ये जो सिंगल स्लिट है ये कैसा काम करेगी, एक सोर्स का काम करेगी, और वो सोर्स कैसा होगा, एक कोहरेंट सोर्स होगा, उस कोहरेंट सोर्स से वेव जो जनरेट करेगी उसका एम्पलीट्यूड तो इतना होगा और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। इसका मतलब ये जो, और वो कोहरेंट सोर्स एग्जैक्टली इस स्लिट के कहां पर रखा होगा, मिडल पॉइंट के ऊपर रखा होगा। इसका मतलब स्लिट ए बी एंड सी डी को हम क्या मान के चल रहे हैं, दे आर इक्वलेंट टू द कोहरेंट सोर्स।
ये दोनों के दोनों एक कोहरेंट, ये कोहरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, ये कोहरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, और वो कोहरेंट सोर्स इन स्लिट के कहां पर रखा हुआ है, बिल्कुल मिडल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है मिडल पॉइंट, इस ये कोहरेंट सोर्स एस वन है और ये है वो कोहरेंट सोर्स एस टू है। इन कोहरेंट सोर्स से क्या इमिट होगी, एक रिजल्टेंट वेव इमिट होगी, उस वेव का एम्पलीट्यूड इतना होगा, उस वेव की इंटेंसिटी इतनी होगी। अगर वो इन सोर्स से इमिट होने वाली वेव कैसे ट्रेवल करे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, ये लाइट ऐसे आ रही है, लाइट कैसे इंसिडेंट करेगी इन दोनों स्लिट के ऊपर, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी। लेकिन जो इन सोर्स से जो लाइट इमिट हुई है, जिसका एम्पलीट्यूड ये है, इंटेंसिटी ये है, वो कैसे है एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, ये ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल चल रही है, तो यहां इस पॉइंट पी नोट के ऊपर कन्वर्ज करेगी इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी नोट क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब पॉइंट पी नोट कॉरेस्पॉन्ड टू द सेंट्रल मैक्सिमम। लेकिन जो ये रिजल्टेंट वेव जिसका ये एम्पलीट्यूड था, अगर वो डिफ्रेक्ट कर गई किसी एंगल थीटा के ऊपर, वो डिफ्रेक्टेड लाइट कन्वर्ज की पॉइंट P1 के ऊपर इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो अब हमें स्टडी करना है। इसका मतलब ये डिफ्रेक्टेड लाइट है, दो डिफ्रेक्टेड, इसका मतलब यहां पर डिफ्रेक्शन एग्जिस्ट हुआ, दोनों लाइट वेव डिफ्रेक्टेड एट ए एंगल थीटा और ये कन्वर्ज हुई एट ए पॉइंट पी वन के ऊपर। इसका मतलब यहां पर दो फैक्टर्स आएंगे, एक तो डिफ्रेक्शन का फैक्टर आएगा और एक किसका फैक्टर आएगा, इंटरफ्रेंस का, क्योंकि ये दोनों डिफ्रेक्ट, यहां से तो डिफ्रेक्टेड पैटर्न आएगा और यहां पर ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर क्या हुई है, सुपर इम्पोज हुई है, तो इंटरफ्रेंस प्लस इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन का यहां पर जो इंटेंसिटी बनेगी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगी। अब ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों डिफ्रेक्टेड वेव के पाथ के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हमें सबसे पहले इन दोनों वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम, इससे इस शोर से इस लाइट के ऊपर हम क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इससे आगे हमारे पास कोई भी पाथ नहीं होगा, जो पाथ का डिफरेंस है वो कहां कहां पर होगा, पीछे पीछे होगा। अगर इसको मैं मिडल पॉइंट के ऊपर लेके चल रहा हूं, तो ये एस वन से बी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ए बाई टू, और बी से सी कितना होगा, बी टू सी, ये कितना होगा बी, और सी टू एस टू, सी से एस टू तक कितना होगा, फिर ए बाई टू। तो टोटल S1 से S2 कितना बनेगा, S1 से S2 कितना बनेगा, A by 2 plus B plus A by 2, कितना बना, that is equal to A plus B बना, ये बना S1 से S2 तक। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल सपोज करो मैं इसको नाम दे रहा हूं K, तो एंगल K, K के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी बन गई, S1 K S2। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां पर होगा, K के ऊपर होगा। अगर ये 90 है तो ये एंगल थीटा है, तो ये यहां से ये वाला एंगल इस रे के साथ यहां से यहां तक 90, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो S2 के ऊपर तो 90 माइनस थीटा बचेगा, और S1 के ऊपर ये वाला जो एंगल आएगा एग्जैक्टली कितना आएगा, थीटा, तो ये एंगल S1। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, S2 के ये फाइंड आउट करना है, लेकिन मेरे पास S1 से S2 A प्लस बी है, तो मैं क्या लगा दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज S2 के अपॉन S1 S2। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू साइन A2, ये क्या है मेरे पास, S2 के अपॉन ए प्लस बी। तो मैंने एस टू के की वैल्यू निकाल ली और ये कितना आ गया मेरे पास, एस टू के कम्स आउट टू बी ए प्लस बी साइन थीटा, ये आ गया।
और ये क्या आ गया, इन दोनों डिफ्रेक्टेड वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस आ गया। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, तो मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना बना इस केस में, दैट कम्स आउट टू बी पाथ डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी पाथ डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी ए प्लस बी इंटू साइन थीटा। ये मेरे पास डबल स्लिट के केस में आया, और इस दोनों डिफ्रेक्टेड, इस डिफ्रेक्टेड वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना है, इतना है, इस वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना है, इतना है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस ए प्लस बी साइन थीटा, ये फेज डिफरेंस होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं, यहां से एक लाइन खींच दूं, यहां से ये सिंगल स्लिट का पूरा केस था यहां तक, और ये मेरे पास डबल स्लिट चल रहा है। इस क्वांटिटी को मैं मान लूं किसके बराबर, फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू फाइ, और ये फेज डिफरेंस किसका, मतलब दोनों डिफ्रेक्टेड के बीच में फेज डिफरेंस है, टू पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा, ये कंडीशन है। तो यहां से इसका मतलब, अब मेरे को इन दोनों का एम्पलीट्यूड तो इतना है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इतना है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करें, हम यहां पे हमने देखा, यहां से ये एक वेव है, ये एक वेव ये है, ये वाली वेव ये है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। दूसरी वेव ये है, इन दोनों के बीच के अंदर फेज डिफरेंस है, मैं फेज डिफरेंस डाल रहा हूं, ये फेज डिफरेंस है, कितना है ये फेज डिफरेंस, फाई है, ये फेज डिफरेंस फाई है, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, क्योंकि ये हम सिंगल स्लिट से बात कर चुके हैं। तो ये इन दोनों का क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, इसका मतलब मेरे पास इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका मतलब मेरे को इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, और ये रिजल्टेंट मैं लिख रहा हूं आर है, ये मैं इसको नाम दे दूं ओ, इसको नाम दे दूं पॉइंट ए, इसको नाम दे दूं बी, इसका मतलब ओ ए ये रे है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, ए बी ये रे है डिफ्रेक्टेड जिसका एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इतना है, और ये दोनों सुपर इम्पोज हुई हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना है। तो हमारे पास, और ये फर्स्ट वेव ये रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, मैं मान के चल रहा हूं बीटा, और ये वेव अगर बीटा बना रही है तो ये भी कितना बनाएगी, बीटा ही बनाएगी। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 2 बीटा, तो ये फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 बीटा, ये कंडीशन भी आ गई। इसका मतलब इस फाई को भी मैं किसके बराबर पुट कर दूं, 2 बीटा के, ये भी पुट कर सकता हूं, तो यहां से 2 कट जाएगा, और बीटा की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूं, लेकिन अब फाई की नहीं लिखूंगा, फाई की तो वैल्यू कितनी रहेगी, 2 पाई ही रहेगी, लेकिन 2 बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। तो यहां से 2 कट जाएगा और बीटा की ये वैल्यू बनेगी। यहां से अब ये ट्रेंगल बन गई, तो मैं ट्रेंगल ला से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर सकता हूं। और ट्रेंगल लो क्या कहता है मेरे पास, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस टू ओ ए ओ बी वेक्टर, और कोस ऑफ ये जो एंगल आता है इनके बीच में फाई। इसका मतलब अब मेरे को इसको सोल्व करना है, तो मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं, ओ ए का एम्पलीट्यूड ये है, ओ बी का एम्पलीट्यूड ये है, और इनके बीच में एंगल फाई है। तो यहां से जब ये वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं इसको मिटा दूं, तो यहां से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ओ ए का इसका स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखूं, ये तो ओ बी तो मेरे पास क्या है आर, तो इसका मैं लिख दूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसको लिखे हम,
ओ ए ए इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इसका ये होल स्क्वायर ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस टू ओ ए ओ बी क्या आएगा यहां पे लिख दूं मैं, इसके बाद आगे लिखेंगे टू ओ ए ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा ओ बी भी यही आएगी, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया और कोस फाई कोस ऑफ फाई। अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहां से इस ट्रायंगल ला की हेल्प से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो यहां से ये क्या बन गया मेरे पास, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसको मैं यहां पे लिख लूं तो ये रिजल्टेंट आर स्क्वायर क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू टाइम हो गया टू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहां से ये टू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर था, यहां से टू बाहर था ये इसका होल स्क्वायर प्लस इंटू कॉस ऑफ फाई, तो यहां से ये चीज ये बन गई। तो अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन आ गया टू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहां से ये क्या बचा वन और यहां से ये कॉमन चला गया तो क्या बचा कोस फाइव प्लस कोस ऑफ फाइव, और ये क्या वन प्लस कोस फाइव क्या होता है, वन प्लस कोस फाइव मेरे पास होता है टू कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का तो होल स्क्वायर, और यहां से टू वन प्लस कोस फाइव क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड ए नोट लेके चले थे तो हम यहां पे सब जगह ए नोट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ए लेके चलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहां से फिर हम ए कर लेंगे, यहां से इसका फार्मूला क्या आ गया टू कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, क्योंकि ये ए नहीं है सिंगल स्लिट के अंदर, मैं अपने पहले आर्टिकल को ड्राइव करके चला था तो वहां पे ए नोट था, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है हम ए नोट लेके चलेंगे, हर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ए नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो यहां से ये कितना आ गया टू टू आर स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया फोर ए नोट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, और फाइव की वैल्यू कितनी थी अभी हमें बात की थी, फाइव की वैल्यू कितनी आई थी टू बीटा, तो यहां पे कितना बन जाएगा कोस ऑफ बीटा, क्योंकि अभी मैंने वेक्ट्रेंगल ला से क्या बात की थी टू बीटा फाइव की वैल्यू, तो हमारे पास ये इस ये क्या आ गया, ये एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, कहां पर आ गया एट दैट पॉइंट पी वन के ऊपर, मीन्स इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी, तो यहां से मैं इसको अब क्या लिख दूं आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर ए नोट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर बीटा, यहां से मेरे पास ये फैक्टर क्या है ये बता रहा है इंटेंसिटी कम्स आउट एट ए पॉइंट पी वन एंड दैट कम्स आउट टू बी दिस। अब इसके अंदर दो फैक्टर हैं, एक तो फैक्टर है मेरे पास साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये तो मेरे पास क्या है ये फैक्टर है मेरे पास डिफ्रेक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, यहां पे देखो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये ही आया था ए नोट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर है ये क्या है डिफ्रेक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, और ये फैक्टर जो है
ये फैक्टर किसका है, ये इंटरफ्रेंस फैक्टर है। इंटरफ्रेंस ये जो फैक्टर आया है ये किसकी वजह से आया है, इंटरफ्रेंस की वजह से आया है। ये जो डिफ्रेक्टेड टू वेव है इन दो स्लिट से ये क्या हुई है, सुपर इम्पोज हुई है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी वो दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन आएगी, एक डिफ्रेक्शन पैटर्न एक इंटरफ्रेंस पैटर्न। अब ये पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम को मैं अंडरस्टैंड करूं तो इसका मतलब मेरे को एक इसका पैटर्न मैं पहले स्टडी कर चुका हूं, ये मैं अब स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसके पैटर्न को स्टडी करूंगा और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक वेव पैकेट बनेगा। इसका जो पैटर्न बना था हमारे पास एक वेव बना था सेंट्रल पॉइंट के ऊपर तो मैक्सिमा बना था, फिर हमने सेकेंडरी मैक्सिमाज निकाले थे, बात करेंगे उनकी। इस क्या मतलब, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी वन इज टू बी मैक्सिमम ओनली व्हेन ये फैक्टर क्या हो मेरे पास, मैक्सिमम हो। और ये फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। और ये फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, एक तो मेरे पास अल्फा टेन टू क्या हो, जीरो हो, और दूसरा बीटा भी टेन टू क्या हो, जीरो हो, तभी मैक्सिमम एग्जिस्ट। दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, अल्फा टेन टू जीरो तो मैं जानता हूं लिमिट अल्फा टेन टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये मेरे पास क्या आता है, वन आता है। अगर मैं यहां से बीटा टेन टू जीरो करूं तो कोस बीटा कोस जीरो की वैल्यू वन आती है। इसका मतलब इस कंडीशंस के ऊपर दिस फैक्टर टेन टू वन एंड दिस फैक्टर टेन टू वन तो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी दैट इज इक्वल टू फोर ए नोट स्क्वायर। और ये ए नोट स्क्वायर इस सिंगल स्लिट के अंदर इंटेंसिटी आई थी हमारे पास, क्या आई थी, एट द प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर। तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूं, फोर टाइम इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट ड्यू टू एट प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर हमारी ये इंटेंसिटी आई थी। इसका मतलब इस केस में मैंने अल्फा को जीरो किया, तो अल्फा को अगर जीरो किया है तो साइन थीटा की वैल्यू को मैंने क्या किया है, जीरो किया है। अगर इस केस में बीटा को जीरो किया है ना तो साइन थीटा की वैल्यू को जीरो किया है, क्योंकि बाकी ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट कभी जीरो होता नहीं है, ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट है, इसमें ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट है। तो इसको जीरो करने के लिए किसको जीरो करना पड़ेगा, साइन थीटा को जीरो करना पड़ेगा। अगर अल्फा जीरो तो साइन थीटा जीरो, बीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, इसका मतलब ये थीटा जीरो हो गया, कोई डिफ्रेक्शन एग्जिस्ट नहीं हुआ, सिंगल स्लिट से लाइट अमर्ज हुई थी जिसका एम्पलीट्यूड कितना था, ए नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, किस पॉइंट के ऊपर जाकर कन्वर्ज हो गई, पॉइंट पी नोट को, और पॉइंट पी नोट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। और इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर इंटेंसिटी कितनी आई है, दैट कम्स आउट टू बी दिस। और ये क्या है, दैट इज फोर टाइम इंटेंसिटी ड्यू टू प्रिंसिपल मैक्सिमा एट ए सिंगल स्लिट। इसका मतलब जो सिंगल स्लिट के प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर इंटेंसिटी आई थी वो डबल स्लिट के प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर कितना हो गई, फोर टाइम हो गई। अब इससे आगे प्रिंसिपल मैक्सिमा को स्टडी करने के बाद हम आगे स्टडी करते हैं, पहले इस सिंगल स्लिट वाले पूरे के पूरे फैक्टर को मैं स्टडी कर चुका हूं। प्रिंसिपल मैक्सिमा को हमने स्टडी कर लिया, इंटेंसिटी कितनी आएगी, दैट कम्स आउट टू बी इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी फोर टाइम ए नोट स्क्वायर आएगी, और ये कितनी आएगी, फोर टाइम आई नोट, जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर आएगी। यहां से इसके बाद हमने मैक्सिमा और मिनिमा को स्टडी किया, सिंगल स्लिट के कंसेप्ट को स्टडी किया, ये मैक्सिमा को स्टडी कर लिया, मिनिमा को हमने स्टडी किया था, मिनिमा को। और मिनिमा ये वाली चीज कब बनेगी, जब ओनली साइन अल्फा, पहले मैं इस फैक्टर को स्टडी करवा रहा हूं जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, प्रोवाइडेड दैट अल्फा कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अल्फा अगर जीरो हो गया तो कंडीशंस क्या आ जाएगी,
ये कंडीशन मैक्सिमा को रीच कर जाएगी। तो ये कंडीशन साइन अल्फा की वैल्यू जीरो कब होगी, दैट इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस एम पाई के ऊपर। और यहां पर m की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, m कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, m की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस माइनस एम पाई आई थी हमारे पास। और अल्फा की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूं तो अल्फा की यहां से टू कटेगा तो पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा ये आई थी, और यहां से ये पाई से पाई कट गया था। ए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ये आ गई थी हमारे पास। इसका मतलब यहां पर मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या क्या है, ये मेरे पास मिनिमा की कंडीशन होगी तब सेटिस्फाई होगी। और सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूं, सिंगल स्लिट में मिनिमा कब कब आएगा, एम की वैल्यू वन हो तो हमारे पास, हमें पता है मिनिमा कब कब आएगा सिंगल स्लिट के केस में, सिंगल स्लिट का केस ये है, तो मिनिमा की वैल्यू लिख रहा हूं, मिनिमा कब कब आएगा, अल्फा की वैल्यू कब क्या हो, पाई जीरो पे तो किसको कोरिस्पोंड कर जाएगा, मैक्सिमा को कर जाएगा, तो जीरो नहीं होगी, पाई पे आएगा, टू पाई पे आएगा, थ्री पाई पे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर ये आएगा। इसके बाद हमने ये देखा, जीरो पे मेरे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा आया और पाई के ऊपर मेरे पास क्या आया, मिनिमा आया। तो जीरो से पाई के बीच में या पाई से टू पाई के बीच में क्या कोई एग्जिस्ट हुआ है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने सेकेंडरी मैक्सिमाज को निकाला था। और सेकेंडरी मैक्सिमाज को जब निकाला था तो हमने इस इंटेंसिटी की क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट किया था, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास एक कंडीशंस आ गई थी, और वो कंडीशंस क्या आ गई थी मेरे पास, वो कंडीशन ये आई थी अगर आपको याद हो तो, y अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और हमने इस इक्वेशंस को दो ग्राफ प्लॉट किया था, y इज इक्वल टू अल्फा के लिए और y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा के लिए, और इन दोनों पॉइंट का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस लिया था, एक पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था, उन पॉइंट्स की पोजीशंस के ऊपर हमने क्या देखा था, क्या एग्जिस्ट किया था, सेकेंडरी मैक्सिमाज एग्जिस्ट किए थे, और वो सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा की किस किस वैल्यूज के ऊपर आए थे, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, एंड प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू। इसका मतलब इनके ऊपर मेरे पास सिंगल स्लिट के अंदर क्या आया था, सेकेंडरी मैक्सिमा आए थे। ये सेकेंडरी मैक्सिमा मैं लिख रहा हूं सिंगल स्लिट के केस में, मैक्सिमा कब कब आए थे, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, एंड सो ऑन सो फोर, आगे तक चलते जाएंगे, ये ऐसे हमारे पास वैल्यूज चलती जाएंगी, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, प्लस माइनस, एंड सो ऑन सो फोर। इसका मतलब हमारे पास थ्री पाई बाई टू ये वैल्यूज और कहां पर आएंगे, मैक्सिमा थ्री पाई बाई टू, मैक्सिमा कब कब आएंगे हमारे पास, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, एंड सो ऑन सो फोर, चलती जाएंगे आगे तक। मिनिमा कब कब आए थे, पाई, टू पाई, थ्री पाई, एंड सो ऑन सो फोर, आगे तक चलते जाएंगे। हमने सिंगल स्लिट का एक पैटर्न बना दिया था, इसके बाद इसको मैं दोनों को पैटर्न बनाऊंगा, पहले दोनों को स्टडी कर दूं। सिंगल स्लिट का मैंने ये केस स्टडी कर दिया, इसका पैटर्न को ड्रा करेंगे जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके बाद कोस बीटा को स्टडी करते हैं। अब कोस बीटा का फैक्टर मैक्सिमम कब बनेगा, क्योंकि ये फैक्टर तो हमें ये पैटर्न कोई पैटर्न बताएगा, उस पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, ये भी एक पैटर्न बनाएगा, इसकी इंटेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये वाला फैक्टर, उस चीज को स्टडी करते हैं। ये वाला फैक्टर मैक्सिमम बनाएगा मिनिमम बनाएगा इंटेंसिटी को, फॉर इस फैक्टर के लिए हम फॉर मिनिमा को स्टडी करते हैं, मीन्स फॉर मिनिमम इंटेंसिटी को, मिनिमम इंटेंसिटी कब बनेगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और कोस स्क्वायर बीटा जीरो कब होगा, दैट इज इक्वल टू ये जीरो पाई बाई टू, या क्या हो जाए, थ्री पाई बाई टू, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, कोस
दैट इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, मिनिमा को। और मिनिमा की कंडीशन हमने क्या लगाई थी, एम लगाई थी, और मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन क्या लगाई थी, हमने एन लगाई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कोस प्लस माइनस क्या है, एम पाई बाई टू। तो यहां पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई बाई टू। इसका मतलब मैक्सिम मिनिमा कब मिलेगा मेरे को इस फैक्टर की हेल्प से, जब इस फैक्टर को ड्रॉ करूं तो मैं, ये फैक्टर कब आएगा मिनिमा, पाई बाई टू पे मिनिमा आएगा, थ्री पाई बाई टू पे मिनिमा आएगा, फाइव पाई बाई टू पे मिनिमा आएगा, एंड सो ऑन सो फॉर, ये चलती जाएंगे। इसका मतलब इस डबल स्लिट केस के अंदर इसका फैक्टर मैं देखूं तो मैक मिनिमा कब आएगा, मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर इस फैक्टर को अब मैं यहां से हटा दूं, तो मिनिमा बीटा की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। बस बीटा की वैल्यू अभी हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। तो मिनिमा कब मिलेगा इस केस में, बीटा की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एम पाई बाई टू। यहां से पाई कट गया और क्या आ गया, ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम, यहां से ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू मिनिमा आएगा। तो ये कंडीशंस किसकी चल रही है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू कब आएगा, हमारे पास एम नहीं आएगा यहां पर, इस एम को मेरे को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, टू प्लस माइनस टू एम प्लस वन पाई बाई टू। क्योंकि अगर m की वैल्यू मैं क्या लू, जीरो लू, m की वैल्यू जीरो लूंगा तो पाई बाई टू आएगा, m की वैल्यू मैं थ्री टू लू तो वैल्यू क्या आएगा, थ्री पाई बाई टू, ये कंडीशन आएगी। अगर m की वैल्यू मैं टू लू तो फाइव बाई टू आएगा, लेकिन m की वैल्यू अगर मैं जीरो लूंगा तो कितनी आएगी, पाई बाई टू आएगी। इसका मतलब यहां पर ये जो कंडीशन आएगी, ये m की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, टू एम प्लस वन, और ये दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, टू एम प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। ये किसकी कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है, मैं यहां पे ये शो करवाना चाह रहा था। इसका मतलब इस केस में इस फैक्टर की इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब बीटा की वैल्यू क्या हो, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू जीरो है तो वो किस किस वैल्यू के ऊपर जीरो होगी, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। तो कोस बीटा की वैल्यू क्या हो, टू एम प्लस वन पाई बाई टू हो। तो यहां से ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एम प्लस वन पाई बाई टू, और एम की वैल्यू क्या होंगी, वन टू थ्री फोर जीरो, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सो फोर। तो मेरे पास इस केस में इस फैक्टर की वजह से इंटेंसिटी मिनिमम होगी, कब होगी, तो यहां पर एल बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। मिनिमम स्टडी कर रहा हूं, ये मिनिमा, ये मिनिमा, और ये थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन सो फोर। और मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला फैक्टर क्या हो जाए, वन हो जाए। इसका मतलब ये फैक्टर मेरे पास क्या हो जाए, वन हो जाए, कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो, वन हो। और ये वन कब होगी, जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर एंड सो ऑन सो फोर। इसका मतलब कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस माइनस एन पाई। एन की वैल्यू क्या हो, जीरो, वन, टू, मैक्सिमा की कंडीशन ले रहा हूं अब। ये मीन्स इस फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू वन हो। वन कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो, एन पाई हो। एन की वैल्यू क्या हो, जीरो, वन, टू, थ्री। तो यहां से ये वाला फैक्टर कट गया और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाई। इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो बीटा की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई।
यहां से पाई कट गया और लैम्डा इधर आ जाएगा, किस क्या कंडीशन आ गई, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये कंडीशन किसकी होती है, मैक्सिमा की ही तो होती है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिनिमा। ये मिनिमा की है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। तो और मैक्सिमा इसका मतलब हमें कब मिलेगा, मैक्सिमा कब मिलेगा, यहां पे लिख दूं मैं, बीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो पाई टू पाई एंड सो ऑन सो फोर, ये मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास दोनों फैक्टर आ गए हैं, तो अब इन दोनों फैक्टर की मैं इंटेंसिटी को कंपेयर करूंगा, क्या बनाऊंगा, इस फैक्टर का एक ग्राफ बनाऊंगा, इस फैक्टर का एक ग्राफ बनाऊंगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सेंटर के ऊपर इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, फोर टाइम आएगी, इसको मैं मिटा दूं, यहां से ये डबल स्लिट का, और इन सबको मैं यहां पे लिख रहा हूं इस साइड में, जो इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी, आई इज इक्वल टू फोर ए नॉट स्क्वायर, जो आई के आई इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर इंटेंसिटी आएगी फोर टाइम इंटेंसिटी, दैट कम्स आउट टू बी प्रिंसिपल में इन सिंगल स्लिट के प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर जो आई थी। अब मैं इसको मिटा दूं, और इस ये मैक्सिमा और मिनिमा किस फैक्टर के हैं, ये मैक्सिमा और मिनिमा भी इधर लिख दूं मैं, ये कोस स्क्वायर बीटा के मैक्सिमा और मिनिमा के हैं। कोस स्क्वायर बीटा के फैक्टर के मैक्सिमिनिमा कब कब आया है, मिनिमा बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, और मैक्सिमा कब कब आया है, मैक्सिमा मेरा आया है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई एंड सो ऑन सो फोर। तो अब मेरे को दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है और फिर इसका रिजल्टेंट शो करना चाह रहा हूं मैं। यहां से मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, डिफरेंट डिफरेंट, ये वैल्यू जीरो, ये मेरे पास है वैल्यू पाई, ये मेरे पास टू पाई, ये मेरे पास थ्री पाई, ये मेरे पास फोर पाई, ऐसे ही इधर आएगी माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई एंड माइनस फोर पाई। सिंगल स्लिट के केस के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी आई थी, आई नॉट आई थी ये, तो ये मैक्सिमम ले रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा सा और नीचे ले लूं क्योंकि मेरे को ऊपर दोनों प्लॉट ड्रॉ करने हैं। मिनिमा कब आया है इस केस में, पाई के ऊपर, इसका मतलब ये पाई के ऊपर मिनिमा आएगा, यहां पे ये मिनिमा आएगा पाई के ऊपर सेंट्रल, यहां पे ये मिनिमा आएगा, हमने ड्रॉ किया था। इसके बाद थ्री पाई बाई टू पे क्या आया, मैक्सिमा, या बीच में क्या है, थ्री पाई बाई टू, यहां पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, और ये टू पाई पे फिर क्या है, मिनिमा, फिर यहां से आगे चलेगा और फाइव पाई बाई टू पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। इस सिंगल स्लिट का एक पैटर्न था जिसकी इंटेंसिटी इसके कंपेरिजन में क्या आएगा, और थ्री पाई पे फिर क्या हो जाएगा, मिनिमा। इसके बाद ये फाइव पाई बाई टू, ये मेरे पास सेवन पाई बाई टू, इसकी इंटेंसिटी और डिक्रीज कर जाएगी, और यहां पे ऐसे पैटर्न आएगा सिंगल स्लिट के केस में, यहां पे इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल इसके बराबर आएगी और इसकी इंटेंसिटी इतनी आएगी। इस केस में इसकी इंटेंसिटी पाई के ऊपर तो मिनिमम हो रही है, पाई के ऊपर मिनिमम हो रही है, और यहां पे थ्री पाई बाई टू के ऊपर मैक्सिमम, यहां पे फाइव पाई बाई टू के ऊपर मैक्सिमम, यहां पे सेवन पाई बाई टू के ऊपर मैक्सिमम। अब मैं कोस बीटा की यहीं पर इसके ऊपर प्लॉट कर रहा हूं, इसका मतलब यहां से जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कोस स्क्वायर बीटा का, यहां से देख रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम कब आया है, जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल पाई है, पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, और ये मेरे पास फोर पाई, ये मेरे पास यहां पे पाई माइनस पाई,
यहां पे माइनस टू पाई, यहां पे माइनस थ्री पाई एंड सो ऑन सो फॉर माइनस फोर पाई। यहां पे बीच में क्या है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, बिल्कुल। इसके बाद जीरो पे यहां पे क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसके बाद मिनिमा कहां पे मिला, पाई बाई टू के ऊपर, पाई बाई टू, इसका मतलब हमें पाई बाई टू पे क्या मिलेगा, मिनिमा। फिर मैक्सिमा कहां पे मिलेगा, पाई के ऊपर। लिख के कोस स्क्वायर का ग्राफ है तो मैक्सिमम जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा हाइट पे, ये मैक्सिमम। इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि ये कोस स्क्वायर का ग्राफ है। यहां पे इसकी फिर कहां पे, थ्री पाई, थ्री पाई इसके बाद थ्री पाई बाई टू के ऊपर इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम, ये मिनिमम। फिर पाई बाई टू पाई पे क्या है, मैक्सिमम, टू पाई पे क्या होगी, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। और फिर यहां से पाई पाई बाई टू पे क्या होगी, मिनिमम। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे, ये ऐसे, इधर से ऐसे, सेम ऐसे पाई बाई टू, हाँ बीच में आएगा, पाई बाई टू पे जीरो, पाई के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी यहां पे, ये मैक्सिमम होगी यहां पे, और यहां से इसके बीच में थ्री पाई बाई टू आएगा, थ्री माइनस थ्री पाई बाई टू पे क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर यहां से क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और टू पाई के ऊपर जाकर फिर क्या होगी, मैक्सिमम, और यहां पे फाइव पाई बाई टू पे मिनिमम, ऐसे। और यहां पे फिर ये मैक्सिमम, यहां पे थ्री पाई पे, और यहां पे आके फिर ये मिनिमम। इसका मतलब ये सिंगल स्लिट इस फैक्टर का ये ग्राफ है, इस फैक्टर का ये ग्राफ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर जो आएगी वो कितना टाइम आएगी, फोर टाइम ऊपर चली जाएगी। ग्राफ छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब यहां से जो इंटेंसिटी आएगी ऊपर वो कितना टाइम आएगी, इस इंटेंसिटी का फोर टाइम ऊपर आएगी। इसका मतलब जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी थी वो जो इतना था वो ऊपर कितना शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं यहां पे ग्राफ को प्लॉट करूं सेम, तो यहां से कितना ये इंटेंसिटी का कितना टाइम चला जाएगा, फोर टाइम ऊपर चला जाएगा। इस प्रिंसिपल मैक्सिमा का कितना टाइम ऊपर चला जाएगा, यहां पे जो ये मैक्सिमा आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये जो इंटेंसिटी यहां पे, ये इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ये जो इंटेंसिटी आएगी यहां पर, ये वाली जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी का कितना टाइम होगा, फोर टाइम होगा। इस इंटेंसिटी का कितना टाइम होगा, ये फोर टाइम आएगा ऐसे, ये जो इतनी इस इंटेंसिटी थी ये तो फोर टाइम बढ़ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आगे, ऐसे फोर टाइम बढ़ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक वेव पैकेट बनेगा। उस वेव पैकेट की जो जीरो के ऊपर इंटेंसिटी आएगी वो इसके फोर टाइम आएगी, इस वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो फोर टाइम आएगी, इस वैल्यू के ऊपर वो फोर टाइम आएगी। तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट था। थैंक यू।